हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे स्पाइसी फूड लवर्स के लिए है और इसमें हम बना रहे हैं नूडल्स और ये है बुलडक 2x स्पाइसी कोरियन नूडल्स। और अगर आप इससे भी ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 3x वाले लीजिए, मैंने 2x वाला लिया है। तो चलिए इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो मुझे दिख रहा है वो ऐसा है कि जैसे मैगी का होता है ना नूडल्स पैक, या जो भी हम लेते हैं नूडल्स या यिप्पी कुछ भी लेते हैं टॉप रामेन वगैरह, वैसे ही है। और इसके साथ ही काफ़ी बड़ा है ये जो नूडल का पैक और काफ़ी जो इसके नूडल्स हैं ना काफ़ी मोटे भी लग रहे हैं। और ये इसका मिक्स है, इसका स्पाइस मिक्स, और ये ना इसके अंदर कुछ सॉस टाइप का है, ये हम देखेंगे अभी कहाँ पर यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, गर्म पानी लिया है 600 ml है एक पैक के लिए और इसको हम बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा एक दो मिनट लग जाएंगे आपको इसको बॉईल करने में ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए जो हमारे नूडल्स हैं ना बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। अब क्या करना है, इसको ड्रेन आउट कर लीजिए एक छलनी में और थोड़ा सा पानी उसमें रहने दीजिए 2-3 चम्मच के करीब। और ये जो पेस्ट टाइप का था या ऑयल या सॉस जो भी आप इसे समझें, इसके पैकेट को हम खोल देंगे और इसको हमें डालना है नूडल्स के अंदर। बहुत ही ज़्यादा स्पाइस है, देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे सोया सॉस है, लेकिन ये ना बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे चिली सॉस टाइप का। इसकी जो स्मेल, एक अरोमा सा जो उड़ के आ रहा है ना, वो मैं फील कर सकती हूँ। अब जब आप बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम रखेंगे साइड और एक पैन लेंगे और उसमें एक छोटी सी चम्मच तेल का डालेंगे और इस नूडल्स को जो हमने मिक्स किया था वो हम डाल देंगे पैन के अंदर। और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हमें इसको स्टर करना है हल्का सा एक फ्लेवर डालने के लिए। और लास्ट में ना ये जो मिक्स था इसके साथ फ्लेक्स थे इसके अंदर, वो हम डाल देंगे। और ये देखिए, ओ माई गॉड, बहुत ही डार्क है इसके अंदर। इसके अंदर सेसमी सीड्स और चिली फ्लेक्स टाइप के कुछ मिक्स थे, वो हमने डाल दिए। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। अगर आप इसे ट्राई करें तो साथ में ज़रूर कुछ मीठा आप एक बार रख सकते हैं अपनी, अगर आपको ज़्यादा मिर्च लग गए आप उसको मिटाने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए हर रोज़ मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और ईजी रेसिपीज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।